दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हल्दी वाले दूध के बारे में। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी हल्दी वाला दूध पीने के बहुत ही फेवर में थे हमेशा ही, और उनका मानना था कि हल्दी बहुत सारे गुण रखती है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में बहुत ही कारगर है। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और आयुर्वेद के बहुत सारे उपाय, अचूक उपाय हम उन्हीं की वीडियो से निकालकर आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे चार लोगों के बारे में जिन्हें कभी भी हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। इन लोगों के लिए फायदे की जगह नुकसान ही करेगा ये हल्दी वाला दूध। आमतौर पर हल्दी वाला दूध हेल्दी माना जाता है। दर्द होने पर, सर्दी खांसी होने पर घरों में लोग सबसे पहले हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते हैं और लोग खुशी खुशी पीते भी हैं। लेकिन ये हल्दी वाला दूध फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। हल्दी की तासीर गर्म होती है और इसमें खून को पतला करने का गुण होता है, इसलिए हर किसी को इसे नहीं लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी बॉडी गर्म रहती है या जिनके नाक से खून आना या किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती हो, यह ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। कई बार पेट के मरीज को भी हल्दी वाला दूध नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यहां हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। अगर वे इसे पीना भी चाहें तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस हल्दी वाले दूध को पीना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं पहले कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हल्दी वाला दूध सेवन नहीं करना चाहिए। जिन्हें गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, उन्हें हल्दी वाला दूध ज्यादा पीने से गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए वो हैं जो खून पतला करने वाली दवा ले रहे हों। हल्दी में खून पतला करने वाले गुण होते हैं। पहले से दवा ले रहे हैं तो खून ज्यादा पतला हो सकता है, तो ऐसा रिस्क ना लें। और जिन लोगों को हल्दी वाला दूध पीना है और वो दवा भी ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। तो दोस्तों, जानते हैं तीसरे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। तो वो हैं गर्भवती महिलाएं या पीरियड्स के दौरान भी हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध गर्म होता है और ब्लड को पतला करता है, तो इससे ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोनों ही केसेस में, गर्भावस्था में या पीरियड्स के दौरान, ज्यादा ब्लीडिंग होना खतरनाक हो सकता है। चौथे ऐसे व्यक्ति जिनको हल्दी वाले दूध से बचना चाहिए वो हैं जिन्हें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। हल्दी वाला दूध गैस और एसिडिटी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, एसिडिटी की दवा का असर कम भी कर सकता है। तो दोस्तों, हल्दी को हेल्दी हर्ब के रूप में देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है ये हल्दी सभी के लिए हेल्दी हो। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन, प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम वाले लोग, इन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी वाला दूध इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और यदि इसका सेवन करना चाहें तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, किसी और प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हुए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।